छत्तीसगढ़ में राज्य के अंदर और अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अब ई पास की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए यात्री स्वैच्छिक रूप से ई पास का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन के द्वारा आदेश में संशोधन किया जाएगा और जिसके मुताबिक कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए स्वैच्छिक रूप से ई पास का इस्तेमाल किया जा सकेगा, ताकि ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे और संभावित जो मरीजों की वक्त पर पहचान की जा सके। इसके लिए आवागमन किए जाने वाले समस्त यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो ई पास का स्वैच्छिक रूप से इस्तेमाल करें। हालांकि अंतर्राज्यीय आवागमन पर क्वारंटीन संबंधी निर्देश पहले की ही तरह होंगे। रायपुर में रविवार की लॉकडाउन के बाद से आज एक बार फिर अनलॉक कर दिया गया है। दुकानें जो है वो निर्धारित समय जो निर्धारित किया गया है, जैसे कि 8 बजे से 4 बजे तक किराना दुकानों को, 6 बजे से 12 बजे तक सब्जी और फल दुकानों को, तो इसी तरीके से तमाम दुकानों को खोला गया है। आज हम रायपुर के कलेक्टोरेट में मौजूद है, जहाँ पर ये भी फैसला लिया जा सकता है कि यदि सोमवार और मंगलवार को ज्यादा केस नहीं मिले तो हो सकता है कि दुकानों में और रियायतें बढ़ा दी जाए और इसी तरीके से और भी छूट जो है वो उन पर फैसला जो है वो लिया जा सकता है। और इसके साथ ही राजधानी रायपुर में जो है कल लॉकडाउन किया गया था, इसके साथ अगर कोई दुकानें खुली थी तो उन पर कार्रवाई भी की गई है। 5 दुकानों को नोटिस थमाया गया है और उनसे कारण बताओ जो नोटिस है वो भी जारी किया गया है कि आपने क्यों ये दुकानों को खोला है। आपको बता दें कि कल रविवार के दिन तमाम जगहों पर लॉकडाउन था, इसी लॉकडाउन की वजह से जो है लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर कोई बेवजह घर से बाहर निकलता था तो उस पर कार्रवाई की जा रही थी। तो इसी तरीके से तमाम जो एहतियात है वो जिला प्रशासन के द्वारा लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।